लोगों से शेयर खरीदना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला एकदम सिंपल तरीके है, सिंपल वेज है। एक बार जो किंग है शेयर के, वॉरेन बफे, उनको पूछा गया कि क्या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर बहुत फास्ट भागते हैं, बहुत तरक्की हो रही है आईटी सेक्टर, तो क्या आप उसके शेयर खरीदोगे या वो शेयर में आप जाके बहुत बड़ा बिजनेस करोगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, कोई जरूरी नहीं है। बोले मैं वो क्यों खरीदूं, मैं वो शेयर खरीदूंगा कि जो शेयर 12 महीने चलने वाले, 12 ही महीने, मतलब अभी आपने देखा होगा कि कोरोना आ गया तो लोगों को खाने को तो लगता ही है, बिस्किट लोगों ने खाए, नूडल्स खाए, दूध पिया, छाछ लिया, बटर लिया, ब्रेड खाया, पेस्ट, बस ये शेयर खरीदो। लोगों को पेट्रोल भी लगा, व्हीकल पे लोग आना जाना कर रहे थे, दवाइयाँ लिए, तो जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काम में आने वाले जो आइटम्स है वो कंपनी के शेयर लियो। तो उन्होंने बोला पहली स्टेप, फोर सिंपल वेज में पहला वेक वे है कि भाई सिंपल खरीदी करो और सिंपल कंपनी की खरीदी करो जो सिंपल है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कंपनियाँ, कि इसका कोई आपको ये देखना नहीं है कि भाई शेयर की प्राइस क्या है, इसका प्रॉफिट क्या हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कौन है, कुछ नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि जो सालों से चलती आ रही है उसका क्या देखना है। तो पहला वे है कि सिंपल कंपनी में इन्वेस्ट करो। नंबर दो कि भाई आप डिविडेंड के पीछे मत दौड़ो। कुछ कंपनी ऐसी रहती है कि वो जो डिविडेंड देती है और लोग डिविडेंड देते करके वो शेयर खरीदते हैं सिर्फ उसके लिए, तो सिर्फ उसके लिए मत खरीदो। क्योंकि क्या होता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है मतलब वो क्या कर रही है, वो अपना प्रॉफिट बांट रही है, तो जब अपना प्रॉफिट बांट रही है तो कंपनी का दाम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। आप देखो गूगल जो है, गूगल कभी डिविडेंड नहीं देगा, गूगल का शेयर बोलेंगे आपको डिविडेंड देके आप वो पैसे का क्या करेंगे, उससे अच्छा जो डिविडेंड के रूप में बांटना है वो हम ही रखते हैं और हम कंपनी को बढ़ाएंगे और आपको ज़्यादा कमा के देंगे, जो शेयर का भाव बढ़ेगा ना उसमें। तो जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता नहीं है, हाँ मगर उनको जिनको डिविडेंड इनकम ही चाहिए और थोड़ा एप्रिसिएशन भी चाहिए शेयर में, तो डेफिनेटली उन्होंने लेना है, अदरवाइज डिविडेंड के पीछे जाना नहीं है। तीसरा जो सिंपल वे तरीका है वो ये है कि भाई जो शेयर आपके नींद खराब कर देंगे वो शेयर में मत खरीदो, मतलब वो शेयर में मत इन्वेस्ट करो। भाई आप टिप के ऊपर, टिप्स मिलती है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं, टिप जो है वो सिर्फ होटल में दी जाती है, शेयर मार्केट में कभी भी टिप देना नहीं और लेना भी नहीं, टिप कभी काम में आती नहीं है। पेनी स्टॉक्स जो है कि नहीं एक रुपये का शेयर मिल रहा है, दो रुपये का शेयर मिल रहा है ले लो, कुछ मतलब नहीं है। महंगा शेयर लिया तो चलता है मगर जो शेयर भागने वाला है, जो शेयर का नाम है, जो शेयर के पीछे लोग दौड़ रहे हैं वो शेयर लेना चाहिए। तो जो शेयर नींद खराब करेगा ऐसी कोई भी परचेज आपने करनी नहीं है शेयर्स में। तो और चौथा जो है कि भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करो, मतलब क्या है कि जो कंपनी ईयर ऑन ईयर हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट दिख रहा है आपको, प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पिछले साल 1000 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, इस साल 1500 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, पिछले साल 100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 125 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो कंपनी में देखो, वो कंपनी के प्रमोटर कौन से वो भी देख लो। तो आप जब ये देखेंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी है कि जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कमा रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, शेयर पिछले पाँच साल में बहुत बढ़ रहा है, सिंपल वो देखो ना करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग इन्वेस्टर है उन्होंने 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करके भूलना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी भी आपने एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपने थोड़ा थोड़ा SIP करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। समझो आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख एक दिन मत करो, 1 लाख आप 1 साल में करो ताकि आपको एवरेज मिलेगा। आपको 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है तो 1,20,000 साल के हो जाएंगे, और 10,000 इन्वेस्ट करना है तो एक साथ 10,000 मत करो, 1,000 10 बार करो ताकि आपको बहुत एवरेजिंग हो जाएगा और आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये 4 सिंपल तरीके हैं शेयर मार्केट, उसमें आप इसका इस्तेमाल करके यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।